किसी नगर में चोरी की कई वारदातें हो रही थी। रातों रात चोर कब तिजोरी साफ कर जाता पता ही नहीं चलता। चोरी करने वाले नगर के ही दो चोर थे, वासु और सुरेश। हमेशा की तरह रात को जब वे दोनों चोरी करके भाग रहे होते हैं, तब नगर का एक आदमी दो काली सायों को भागते देखता है। अगले ही दिन वह आदमी शहंशाह अकबर की सभा में बताता है कि नगर में चोरी करने वाले कोई दो चोर हैं। यह बात पूरे नगर में फैल जाती है कि चोरी दो लोग मिलकर कर रहे हैं और शहंशाह के सिपाही उन्हें ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। यह सब जानकर वासु और सुरेश घबरा जाते हैं। लगता है शहंशाह के सिपाही हमें जरूर पकड़ लेंगे। हाँ सही कहते हो, हमने इतनी चोरियाँ की हैं कि हमें कठोर से कठोर सजा मिलेगी। इससे अच्छा तो हम अपने प्राण त्याग दें। ऐसा फैसला करके वे दोनों नदी में डूबने का निर्णय लेते हैं। वे दोनों जाकर पुल पर खड़े हो जाते हैं। फिर सबसे पहले वासु नदी में कूद जाता है। उसे पानी में डूबता देख सुरेश डर जाता है और वह नदी में नहीं कूदता है। जब सुरेश नदी में नहीं कूदता है, यह देखकर वासु तैरते हुए नदी से बाहर आ जाता है। सुरेश जब उस वासु को तैरता हुआ देखता है तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर उन दोनों में जमकर बहस होने लगती है। दोनों को लड़ता देख सिपाहियों की नजर उन दोनों पर पड़ती है। उन दोनों को पकड़कर शहंशाह के दरबार में पेश किया जाता है। जहाँ पना ये दोनों नदी किनारे बहस कर रहे थे। जब हमने इनकी बातें सुनी तो पता चला यही वे दो चोर हैं जिनकी हमें तलाश थी। वासु कहता है, जहाँ पना आप कोई फैसला सुनाएं, पहले हमें न्याय चाहिए। कैसा न्याय? वासु पूरी घटना सुनाता है और कहता है, जहाँपना इसने मुझे मारने की कोशिश की है क्योंकि मैं नदी में कूद गया था और ये नहीं कूदा। नहीं जहाँपना, इसने मुझे मार डालने की कोशिश की है क्योंकि जब ये कूदा तो मैं डर गया। फिर ये थोड़ी देर बाद नदी में तैरता हुआ नदी से बाहर आ गया। जहाँपना आप ही न्याय करें। बीरबल तुम क्या कहते हो? हुजूर, प्राण त्यागने का फैसला भले ही इन दोनों ने मिलकर लिया, लेकिन जरूरी यह है कि नदी में डूबने का निर्णय किसने लिया। जहाँ पना यह फैसला केवल वासु ने लिया है क्योंकि उसे तैरना आता था। वासु ने सोचा कि जहाँ पना के सिपाहियों को दो चोरों की तलाश है। यदि सुरेश नदी में डूबकर मर जाता है तो वह अकेला चोर रह जाएगा और कोई उस पर शक भी नहीं करेगा। हुजूर, सजा तो दोनों को ही मिलेगी क्योंकि दोनों ने मिलकर चोरी की है, लेकिन वासु ने सुरेश को मार डालने की कोशिश भी की है। सबसे बड़ा गुनहगार वासु है, इसलिए जहाँ पना वासु को कठोर सजा दी जाए। तुमने ठीक कहा बीरबल।